वेलकम बैक टू माय चैनल मधुबन संजय ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ी के पकौड़े। तो मैं यहाँ थोड़ी सी प्याज काटी हूँ, बड़े बड़े टुकड़ों में हरी मिर्ची है, क्योंकि मेरे घर पे बच्चे भी हैं इसलिए बड़े बड़े टुकड़ों में, आप छोटे छोटे टुकड़े में भी कर सकते हो। और प्याज को मैं इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में काटी हूँ, आप पतला पतला लंबा लंबा भी काट सकते हो। तो सबसे पहले इसमें हम नमक डाली हूँ स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद इसको थोड़ी सी मिलाऊंगी। उसके बाद हम डालेंगे इसमें बेसन, कोई भी बेसन होना चाहिए। इसमें डालेंगे हम बेसन, जितना लगेगा उतना डालेंगे बेसन। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें हल्दी, आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर और तीखा जो जितना खाते हैं उतना मिर्ची, मैं इतना डाली हूँ क्योंकि मेरे घर पे बच्चे भी हैं खाने के लिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। इसको पहले हम मिला लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे अब पानी के जगह जो हमारी रात की बची हुई खिचड़ी थी, उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, खिचड़ी के पकौड़े। तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है, मेरे ससुर जी को बहुत पसंद है। और इस तरीके से हम इसको पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, पूरी अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लिए हैं। और कढ़ाई मेरा यहाँ पे गर्म हो रहा है और इसमें हम डालेंगे सरसों तेल। आप लोग चाहे तो रिफाइन भी डाल सकते हैं, मेरे घर पे सरसों तेल ही यूज़ होता है इसीलिए हम सरसों तेल। कढ़ाई गर्म हो रही थी हमारी पहले से, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें पानी हम नहीं डाले हैं, बिना पानी का ही हम खिचड़ी से मिलाए हैं। चलिए तब तेल गर्म हो चुकी है, कैमरामैन फोकस कीजिए सामने से। चलिए तो इस तरीके से हम गोल गोल करके एक एक करके इसमें डालेंगे खिचड़ी का पकौड़े। आप लोग देख रहे हैं कितने अच्छे से तल रहे हैं। आप चाहो तो छोटा छोटा भी डाल सकते हो। अगर आप लोगों के घर पे भी कभी खिचड़ी बच जाए, चावल बच जाए, खिचड़ी ही नहीं भात भी बच जाए, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। कोई भी बची हुई चीज़ वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग। हम लोगों के घर पे अगर बच जाती है, चावल भी बच जाती है या खिचड़ी आगे से ही बनते हैं, तो हम लोग ऐसे पकौड़े बना के सबको खिला देते हैं। और ये मेरे ससुर जी को बहुत पसंद आता है, फेवरेट है उनका। तो आप लोग देख सकते हैं इसको हम पलट रहे हैं, उलट पलट कर रहे हैं इसको। और अगर छुट्टी की दिन है, आज संडे है, तो घर पे सब लोग रहते हैं तो मिलके चाय के साथ अगर ऐसे पकोड़े बना देते हो आप लोग, तो घर पे सभी लोग तारीफ करेंगे और खुश हो जाएंगे। बाजार से लाने का कोई झंझट ही नहीं, वो भी खिचड़ी के पकौड़े बचे हुए से वेस्ट नहीं करना है। और कमेंट करिएगा आप लोग, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और खिचड़ी का पकौड़े किसको किसको पसंद आया, नहीं भी पसंद आया तो कमेंट करके बताएं। और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे खिचड़ी का पकौड़े किस तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। और मैं यहाँ गर्मा गर्म ससुर जी को, भैंसुर जी को, हस्बैंड को, पति देव जी को, बच्चे को, सबको परोसूंगी। छुट्टी पे हूँ तो कुछ न कुछ तो बनता है इन लोगों को खिलाना। तो मैं दिमाग लगाई हूँ कि खिचड़ी बचा हुआ है घर पे तो उसको फेंकना नहीं है, और ठंडा खिचड़ी मैं किसको खाने दूंगी। बच्चे लोग भी बोल रहे हैं मैं नहीं खाऊँगा, और अभी ये सब खाने के लिए आएँगे। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए। और सबसे पहले मेरे पति देव जी एक खा के बताइए, पतिदेव जी को कैसा लगा मेरा पकौड़ा, मुझे जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही स्वादिष्ट था।
और इसको सॉस या चटनी के साथ में तो और मज़ेदार। अभी चटनी हम लोग का बना है नहीं, सॉस है लेकिन वो चटनी के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। और ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इसमें खिचड़ी मिलाया हुआ है, मतलब टेस्टी बहुत ही लगे। टेस्टी है, एकदम कुरकुरा भी है। और हमको लगता है इसमें तुम थोड़ा सा वो सूजी का पाउडर मिला देगी ना, या फिर चावल का। चावल तो मैं वो है ना, हाँ खिचड़ी का जो चावल मैं का, खिचड़ी हाँ का वो जो तो मैश है, किया वो तो मिल ही गया ना अगर इसमें। चावल का जो पाउडर होता है ना वो मिला देगी तो और ज़्यादा कुरकुरा लगेगा और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे पकौड़े ठंडा हो रहे हैं, मैं भी खाऊंगी। और मैं यहाँ पे बहुत गर्मी है, जैसे कि मुझे देख कर आप लोगों को पता चल रहा है, बहुत मेहनत से शेयर करती हूँ वीडियो बनाकर। तो आइए, आप लोग सोचेंगे कि ये बनाई है, खुद खाकर नहीं बताई है, तो आइए मैं भी ये खाकर देखती हूँ कैसा हुआ है, मतलब कच्चा है कि पक्का है। एकदम बिल्कुल ही पका हुआ है, और मैं ये खाकर आपको बताती हूँ। वाह, बहुत ही टेस्टी है, हम जितना सोचे से उसे काफ़ी बेटर है। तो आप लोग भी अपने घर पर ट्राई ज़रूर करना मत, अगर खिचड़ी या चावल बच जाती है घर पे, फेंकना नहीं है उसको भी, हम लोग यूज करके खा लेंगे, कुछ भी फेंकना नहीं है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलती हूँ कल एक अच्छे से रेसिपी ब्लॉग के साथ।